मेरे को ना बहुत अच्छा लग रहा था. आई डोंट नो, आई वाज फीलिंग सो ब्राइट ब्राइट, सो लाइट एंड सो ब्यूटीफुल. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. उठ जाओ स्कूल जाना बेटे, उठ जाओ, 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 स्कूल जाएंगे, उठ जाओ. हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. रेडी हो गया? वो लगा दूं टीका. न्यू शूज हाँ. आज भी कप दो पराठे, एक इडली, थोड़ा सा मंचिंग और सब्जी. चलो चलो चलो, लेट हो गए. टाटा बाय बाय, बाय बाय अद्विक, जाओ स्कूल जाओ. तुम क्या नौटंकी करने लगे? बाय 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 टाटा, आई लव यू. आई लव यू लग गई बेबी को. आई लव यू टू नहीं निकल पाया इस चक्कर में. बाय अद्विक भाई, आई लव यू. सुनो बाबा, हो गया अद्विक. अद्विक भाई सब तो गए हैं स्कूल. हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग. गुड मॉर्निंग. सो अद्विक तो गया स्कूल और अब फटाफट मुझे डैडा के लिए टिफिन रेडी करना है. उसके बाद ये जो मेस है ना फैला हुआ बेडरूम, अद्विक का रूम अब कम फैलता है क्योंकि हम तुरंत, मैं स्पेशली वो लॉक लगा देती हूँ कि जब भी खेल लिया, खेलने के बाद जब मैं रूम सेट कर देती तो फिर मैं उसको दोबारा उसमें घुसने नहीं देती रात को. तो इस वजह से उसका अभी रूम कम मेसी हो रहा है. बस ज़्यादातर अब इसी में ही इसको रखती हूँ. ऐसा नहीं कि मुझे उसको बंद करके रखना पड़ता है, बट क्या करता है ना, बार बार जाके मेस कर देता है इस वजह से. सो यस, अभी खा के जा चुका है. उसको मैंने खिलाया एप्पल एंड बनाना और साथ में थोड़ा सा दूध, क्योंकि स्कूल में जाके खेलता है खाता है और बिना खाली पेट में नहीं भेजती इस वजह से. और टिफिन तो आधा खा के आता है आधा लेके आता है, चलेगा मेरे को, बट खाता है. ये हो गया, चलो फटाफट अब डैडा का टिफिन रेडी कर देते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ. ओके गुड मॉर्निंग वंस अगेन. इसमें मिठाई है प्रसाद वाला, इसमें एप्पल है, इसमें बनाना है, बाकी लंच बॉक्स. बाय डैडा. क्या हूँ? और हु लव यू? आई लव यू टू. बाय, गुड डे. तो गए, अब फटाफट मैं जाती हूँ, नहा के आती हूँ क्योंकि बाकी सारा काम हो चुका है. बेड सेट हो गया है, आदमी का रूम तो सेट था, तो किचन का भी सारा काम हो चुका है. और अब कुछ करना नहीं है, बस मुझे फटाक से आदमी के ये कपड़े धुलने हैं, ये सारे कपड़े धुलने हैं, मेरे खुद के कपड़े धुलने हैं. और फिर उसके बाद नहा के आ जाती हूँ क्योंकि फिर ब्रेकफास्ट करके फिर मुझे आदमी को लेने भी जाना है, तो होपफुली मैं शायद चल के ही जाऊँगी. मैं रेडी हो गई हूँ, जा रही हूँ आदमी को लेने के लिए. थोड़ा वॉक करके जाऊंगी, टाइम से पहुंच गई तो ठीक है, पूरा वॉक करके जाएंगे, अदरवाइज आगे का देखेंगे. निकल गई मैं, बहुत ज़्यादा धूप है, अम्ब्रेला लिया है. सो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ आदमी से मिलने के बाद. ए मिस्टर न्यू शूज, जा कर दो अंकल को, जा कर दो. गुड बॉय, रुक, चलो अब बेल बजाओ, चलो बेल बजा दो, बेल बजा दो, बेल बजाओ, बेल बजाओ, बेल बजाओ, बेल बजाओ. हालत देखो. हाँ मेरा क्लिप नहीं बेटे. छोटे छोटे दो पराठे दिए थे, एक पराठा पूरा नहीं खाया, एक पराठा का आधा यही सिर्फ खाया है, सब्जी नहीं खाया, इडली भी नहीं खाया. तुम खाते क्यों नहीं हो बेबी? मैम निकलाते हैं कि तुम खाते नहीं हो? चलो कोई नहीं, अभी खिला देंगे इसको. पीकाबू सो के उठ गया, पीकाबू इनको खेलना है अपने रूम में. तक मैंने बर्तन धो लिया सारा, ये तक सारे बर्तन धो लिया. इवनिंग हो गया, 6 बज रहा है और अभी तक डैडा नहीं आया, तो आते ही होंगे, आधा एक घंटे में आ जाएंगे. मैं जा रही हूँ कॉफ़ी पीने के लिए. आइए भाई साहब, देखो वो ऐसे ही खेलना होता है पीकाबू. इसके बाद अभी आदमी का होमवर्क कराऊंगी, कॉफ़ी पी लेती हूँ उसके बाद. नानी तेरी बोल नहीं आ रहे, आइए मम्मा गए हेयर क्लिप लगा के. मेरी बिटिया रानी, हाँ मेरी बिटिया रानी, बिटिया रानी हेयर क्लिप लगाए मेरी बिटिया रानी. हाँ बताओ क्यूटी पाई बन रहे हो तुम, तुमको कल स्कूल में ऐसे ही लगा के भेजेंगे. रुको देखा मेरा बेबी कितना क्यूट लग रहा है मेरा हेयर क्लिप क्लिप लगा के. सो पहले मैं उसका होमवर्क करूँगा, उसके पहले मैंने बोला कि चलो भाई अभी तो थोड़ा 5 मिनट निकाल के आप लोगों से बात किया जाए. और अभी बज रहा है 6:45,
तो डाडा से बात हुई है तो वो बोले 15-20 मिनट पहुँचेंगे, मतलब 7:30 आ जाएंगे। तो उसके पहले देखो ये ऐसे चढ़ जाता है बच्चा। सो रही बात तीज की, तो तीज का एक्सपीरियंस बताओ तो इट वॉज सो ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम तीज रहा, जैसा कि रीजन मैं बता चुकी हूँ कि क्या रीजन थे, और मेरे लिए लास्ट मोमेंट था लाइक ये डिसाइड नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे तीज रहना है इस बारी। व्हाई? बिकॉज मुझे नहीं पता था कि मुझे रहना है इस साल। तो जब फ्राइडे, मतलब यही लास्ट फ्राइडे जो गया, तो फिर रात को जब मेरी सास का फोन आया, उन्होंने बोला कि इस बारी उठा लो एंड ऑल, तो फिर मैंने बोला अच्छा ऐसा ही उठा सकते हैं और लास्ट नेक्स्ट ईयर नहीं उठा सकते तो अभी कर लो। सो पहला तीज था और तीज भी नहीं आया, ना ही सास से ना ही मम्मी से एंड ऑल। तो मैंने बोला, तो फिर पति देव ने बोला कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे। और मेरे माँ बाप को तो पता भी नहीं था द मेन रीजन था कि मैं तीज रह रही हूँ। तो मेरे मम्मी डैडी को पता चला था संडे को, लाइक संडे को मम्मी को पता चला था, और तीज वाले दिन डैडा को पता चला था मेरे, मतलब ट्यूजडे को, कि मैं तीज का फास्ट हूँ। सो देन व्हाट हैपेंड, पतिदेव ने तो सब दिलाई दिया था लाइक, क्योंकि पूरा ऊपर से लेके नीचे तक मैं नया पहना हुआ था और ऐसे दुल्हन की तरह सजते ही हैं। तो अगर पहले पता होता तो डेफिनेटली मेरे मम्मी डैडी तो अच्छे से तीज भेजते हैं ऑल, अरे सामान वगैरह जो भी रहता है, वो नहीं हो पाया तो क्या हुआ। बट माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, उनको खाली पता होना चाहिए, पता लगना चाहिए। द मोमेंट मेरे डैडी को पता चला ना कि मैं तीज उठा रही हूँ उस बारी, तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसा है कि हम पैसे भेज रहे हैं। मैंने बोला नहीं चाहिए, बट लाइक नहीं तुम्हारा बनता है तो भी लेना पड़ेगा। तो फिर मैंने बोला, मैंने डैडी गई हुई सारा सामान खरीद लिया है, तो लगे ठीक है जो खरीद लिया खरीद लिया, बट हमारे तरफ से बनता है तो मिल गई। सो इस वजह से कैश मिले कैश, देन आई टोल्ड हिम ठीक है नहीं चाहिए, बट देन अगेन ही वाज नॉट, वो मान ही नहीं रहता है। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, फिर आप दे दो। तो फिर मेरे डैडा ने मुझे कैश भेजा, मेरे वो बोल के कि तुमको जो जो और कुछ चीजें चाहिए ले लेना, और उसके बाद ये तुम्हारा पहला तीज था तो तुम्हारा बनता है, आगे का देखेंगे आगे का जैसा रहेगा, मतलब कि फिर नेक्स्ट टाइम तो मेरे सासू माँ की तरफ से बनता है। तो देखते हैं नेक्स्ट डे का, नेक्स्ट डे देखेंगे। बस यार मेरा तो हैप्पी हैप्पी तीज हो गया, पतिदेव से गिफ्ट मिला, पतिदेव से सारे कपड़े वपड़े मिले, डाड़ा मम्मा की तरफ से मुझे कैश मिला, और फास्ट का एक्सपीरियंस कितना मस्त था। लाइक आई वॉज फास्टिंग फ्रॉम लाइक 25-26 आवर्स के लिए कंटिन्यूसली, विदाउट वाटर, विदाउट फूड, विदाउट एनीथिंग। तो मुझे भूख नहीं लग रही थी, बट येस आई, मेरे को रात के 1:30 बजे आई वेंट सो थ्रस्टी, और मेरा बीपी डाउन एक बार ही हुआ था व्हेन हम मेला देखने गए थे ना, तो उस समय थोड़ा मेरा बीपी डाउन हो गया था बस, देन आई वॉज वो ठीक हो गई थी। और रात के 1:30 बजे से लेके 2 बजे के बीच में थोड़ा सा मुश्किल हो गया था मुझे, क्योंकि मेरा पूरा मुंह सूख गया था। एंड देन उसके बाद जब मैं सो गई तो 4 बजे जब उठी तो फिर फटाफट सारा काम कर लिया था, तो स्मूथली ही निकल गया ओवरऑल। और इसके इतने एडवांटेजेस हैं, पतिदेव की लंबी तो उम्र होगी ही होगी, एंड एट द सेम टाइम यूर फास्टिंग ऑल्सो, और गिफ्ट मिल रहे हैं, तीज का गिफ्ट मिल रहा है, पतिदेव से मिल रहा है, मम्मी डैडी से मिल रहा है, और क्या चाहिए। आई वॉज हैप्पी, मैंने बोला अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तो फर्स्ट ईयर जब ट्रेन में थी तभी मैं स्टार्ट करती होती यार। एनीवेज देना है दुरुस्त आए तो मेरे लिए तो बहुत ही है। और सब कुछ असाइड मेरे को ना बहुत अच्छा लग रहा था, आई डोंट नो, आई वॉज फीलिंग सो ब्राइट प्राइड, सो लाइट एंड सो ब्यूटिफुल अंदर से, बाहर से तो मैं लगी रही थी बट अंदर से ऑल्सो आई वॉज फीलिंग सो ब्यूटिफुल, सो गुड। सो ऐसा मेरा तीज गया, इट वॉज द मोस्ट वन ऑफ द मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ। सो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये लड़का देख लो क्या कर रहा है, उसको क्लिप लगा देना, तो ऊपर चढ़ के वो उसी के पीछे पड़ा हुआ है। सो यस, दिस वॉज माई एक्सपीरियंस, और आप लोग जरूर अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके जरूर शेयर करना कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा आप लोग आपने सेलिब्रेट किया। मेरा तो बहुत मजा आया, टच वुड इट वेंट रियली वेल, एंड देन बहुत मजा आया मुझे तो। थैंक यू मम्मी डैडी पति तीज एंड पति देव को तो मैंने थैंक यू पहले ही बोल दिया, खैर उनका थैंक यू बनता नहीं है क्योंकि मेरा तो हक बनता है, बट अगेन थैंक यू पति देव क्योंकि ये वीडियो देखेंगे ना इसलिए सबके साथ भी सामने ही बोल देती हूँ। ये देखो टिंग देखो मेरे बेटे की, ओवर एक्टिंग देखो मेरे बेटे की, उसको टेबल पे चढ़ना है। और लो मेरा होमवर्क करोगे कि नहीं करोगे? चलो होमवर्क कर लेते हैं जब तक डैड आते हैं, ठीक है? ठीक है।
चलो सो कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, वंडरफुल। और मैं ये चुड़िया तो पहन के रखने वाली हूँ। हाँ, मैं ऐसा ना ब्राइड ऐसा लग रहा है अभी भी शादी करके ये बच्चा पता नहीं खा सकता लल्लू। समटाइम्स आई कॉल इट लल्लू, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको लल्लू बुला। बट सिर्फ मैं बुला सकती हूँ और कोई भी बेबी। चलो फिर अब आदि का होमवर्क करा देते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि एक मैंने होमवर्क ना मिस कर दिया था 26 को ना, आदि को दो होमवर्क मिले थे, मैंने एक ही देखा, तो वो वाला भी आज ही करा देंगे। और आज का होमवर्क तो है ही, तो चलो फटाफट कर लेते हैं होमवर्क। सो ये 26 वाला है जो हम भूल गए थे कराना, जब 26 को उसको दो होमवर्क मिला था। तो बेबी चलो कल इसको कलर करेंगे। और आज वाला होमवर्क जो है वो ये है, आज का होमवर्क ये है कट एंड पेस्ट। तो पहले कलर कर लेते हैं फिर उसके बाद वो करा देंगे। कहाँ गया, अंदर अंदर करो पूरा अच्छे से, धीरे धीरे क्या करो, इतना क्यों करना है, सिर्फ ये आउटर लेन करना, इसको है ना रेड करो। चलो आ जाओ चलो, वेरी गुड। येलो खत्म करो, फाइनल करो, कैसे कौन सा कलर है येलो। तो ये देखो हाउस जैसे तैसे इन्होंने करवाया मैंने इसको। आज का होमवर्क ये है, तो पहले मैं इसको टीयर करके निकाल देती हूँ, फिर आदमी इसमें पेस्ट करवाऊंगी व्हील्स और ये विंडोज। तो ये मैंने कट करके निकाल लिया, बाद भी इसको पेस्ट करेगा। बेबी आजा पेस्टिंग करेंगे। मैंने इसमें फेविक लगा दिया, अच्छा भी लगा दो, ये लगा दो, लगा दो ऐसे लगा दो, लो आ चलो अभी तुम लो आ। वन एक और कहाँ गया, गुड बॉय यार, ये यहाँ पे स्क्वायर में लगाओ, लगा दो लगा या लो, वेरी गुड। अब ये लगा दो, लगाओ लो अब, सही से करो, सही से करो, निकले ना, कर दो कर दो बेटे, करो टैप टैप करो। वाओ सो ब्यूटीफुल, नाउ दिस कार इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड सो कलरफुल बेबी। साध्वी का ये होमवर्क डन एंड एक वाला भी जो था ना, ये भी होमवर्क डन। क्या ए फॉर Apple. B for ball. Very good. Mama कहाँ है? Mama. ये क्या है? Ball. ये क्या है? Apple. Very good. होमवर्क हो गया, डिनर हो गया, इनको अभी भी पड़वास लगा हुआ है। हाँ बेटे चलो, हाय तभी दूध पिलाया ना, दिक्कू ले लिया, हाय। सो आज का दिन तो अच्छे से बीत गया, डैडा इधर लेटे हुए हैं, इधर आप बेबी है, इधर मम्मा है। तो बेबी आज के लिए बोलते इतना ही, आई सी यू गाइस टुमारो विद अनदर न्यू ब्लॉग। चिल्ड्रन अपना ख्याल रखें, ईट हेल्दी बी हेल्दी, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट ऑन द बेल आइकन एंड कमेंट कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, एंड ऑल्सो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर रील्स। बेबी टाटा बाय बाय कर दो, टाटा पहले मेरा क्लिप दो, टाटा बोल दो, I love you. I love you. Kitchi de do. Mama. Har har. Shamu. Har har. Shamu. Okay, jai kar do sabko. Jai. Namaste. Namaste. Bye bye. Bye. Dada bye. Bye. Chalo bye, take care, good night.